Hey guys, welcome back to my channel. This is me, your Puchki. Welcome to my another vlog. तो फिलहाल अभी भी जोरदार पर हूँ. आज घर जाने वाले हम लोग और अभी तो सुबह हो गई और हम सब लोग उठ गए हैं. तो अभी मैं शीशे पे मुंह देख रही थी, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं हालत. कल पूरा मतलब पूरा दिन तो नहीं, जब घूमने गए थे कल तो धूप पर घूम घूम कर इतना काला हो गई हूँ मैं, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को. काले हो तो क्या हुआ दिल वाले जी. और ये शीशा आप देख सकते हो, हाथों से बना हुआ है, बहुत सुंदर है. एक चीज पता नहीं चला, दीदी ने शीशा इतना ऊपर क्यों लटका कर रखा है. पूरा हाथों से बना हुआ हमारा इधर नाश्ता बन रही है. दे दो दे दो अंडा दे दो. अंडा का हलवा पूरी टाइप कर दिया. वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या बना रहे हैं इधर, लेकिन हम लोग ये ऑमलेट या भुजिया कुछ नहीं बना रहे. हम लोग इधर अंडा बिरयानी बना रहे हैं. अंडा बिरयानी होममेड, सस्ता वाला है ना. हाँ. हमारा कुक बताए आप लोगों को शक्ल क्यों छुपा रही है, अगर बाद में खाना खराब बना तो. अभी मेकअप नहीं लगाया ना इस चावल को दे दो. अच्छा आप एक चीज बताइए कि ये आपका जो रेसिपी है, ये अंडा फ्राइड राइस जो भी बिरयानी हो या जो भी, ये दुकान कब से चल रही है? ये तो 100 साल पुराना है. पहले मेरा दादाजी चलाते थे, उसके बाद मेरा पापा, अभी मैं चला रहा हूँ. प्रोफेशनल फूड ब्लॉगर की तरह बोला ना. 100 साल पुरानी दुकान है इनका, जो पीछे भी बना रही है किचन पर. गाइस ये कल रात की चावल बची हुई थी, उसी से बना रही हम लोग फ्राई, चावल की फ्राई. प्याज मिर्ची और अंडा को तोड़ के देके नमक, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, घर पर बहुत टेस्टी बनता है. मैंने भी ट्राई किया लेकिन अंडे के साथ नहीं किया, अभी भी आलू के साथ किया मैंने और सिर्फ चावल प्याज वगैरह किया, लेकिन ऐसा अंडे के साथ आज पहली बार. फ्राई करना पड़ेगा, बहुत कुरकुरा फ्राई, कुरकुरी कुरकुरी फ्राई. तो गाइस ये जो पहाड़ है ये भूटान की है, मेरे को लगा था इधर ही हम लोग जा सकते हैं, लेकिन भूटान तो बंद है. क्या बाप का जगह है ये? इसका मेरे बाप का. तो गाइस अभी हम लोग छत के ऊपर आए हैं पहाड़ को देखने के लिए और नजदीक से. लेकिन इतना दूर है, दूसरे देश में है, क्या ही बोले. लेकिन खैर जब गेट खुलेगा तो जाएंगे ना घूमने, तो एक बार तो जाऊंगी जरूर. क्या बोल रही थी, फिर से बोलना. बोलो. जब हम लोग रेडी होके जाएंगे ना घर पे, इतना सामने मतलब. ओके ओके बोलो. जब हम लोग घर पे जाएंगे तो ये दरवाजा बंद करके इतना यहाँ पे जितना भी सामान है सब खा के चले जाएंगे. कैसा लगा हमारा प्लान? मतलब चोर बुद्धि सिर्फ हमारे पास ही आते हैं गाइस. हाँ. आप लोगों को क्या बोलूं. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. मेरा जो दोस्त है जिसकी शादी हुई थी कुछ दिन पहले, उसका नाम भी दिया है. उसकी उसकी बेस्ट फ्रेंड मिल गई मेरे को. दिया तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड मिल गई मेरे को, रुको दिखाऊंगी अभी. आखिर जयगांव पर आकर ही मिल गया उसका बेस्ट फ्रेंड दिया. दिया देखो, दिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड. नो गॉड प्लीज नो नो नो. कौन
कौन? मैं। हम लोग जो इतना क्यों पागलपंती कर रहे हैं कुछ भी नहीं पता। तो गाइस आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। देखो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट इधर चाउमीन गाइस और मोमो फ्राई, ये हम लोग खाने वाले हैं अभी। बहुत मजा आएगा। गाइस हम लोग फ्राई उसको चम्मच से नहीं खाते हैं क्योंकि ये हाथ तक खाने वाला चीज है। और हम लोग इंडियन है तो हाथ से ही खाएंगे। तो गाइस अभी खाऊंगी मैं जो 100 साल पुरानी दुकान से बना हुआ फ्राई राइस है। किसकी दुकान? मेरा 100 साल पुरानी। अभी चाउमीन के साथ खाऊंगी खाऊंगी। तरंग हम तो नहीं जाते हैं। तो वैसे हम लोग खा लेते हैं। मेरे को शर्म आ रही है कि मेरा के सामने खाने के लिए। क्या बोला तूने? हमारा खाना हो गया है और अभी मोमो बनाएंगे हम लोग। मोमो टिंकी चिंकी टिंकी चिंकी मोमो बनाएंगे मोमो बनाएंगे। तो चलिए गाइस देखते रहिए। तो गाइस इधर मोमो की लेयर को बना रही है। आटे रोटी की तरह बनाते हैं मोमो की कीमा। और इधर मोमो को स्टीम करने के लिए स्टीम पर वेल लगा रही है क्योंकि वेल लगाना ज़रूरी है, नहीं तो चिपक जाएगा ना वो स्टीम के साथ। तो अच्छे से बहुत ज़्यादा ब्रश के साथ वेल ब्रश कर रही है ताकि। और अभी इधर मोमो बना रही है तो रोटी की तरह पहले बनाते हैं आटे को, उसके बाद इसमें कीमा भर के ऐसे करते हैं 1 2 3 1 2 3 ऐसे फोल्ड करते हैं। लेकिन मैंने भी ऐसे ट्राई किया था, मेरा जो क्यों नहीं हुआ। तो इतना अच्छा से बनाते हैं वो लोग। मेरा आप लोग अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा मैंने कैसे बनाया है। तो आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे से बनाते जगह है। ये तो गाइस माया इधर बहुत स्लो स्लो बना रही थी तो दीदी ने उसको उठाकर बोला कि मुझे दे दो, तुम रहने दो, तुम बहुत स्लो बना रही हो, मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। तो दीदी इसलिए बना रही है इधर। तो गाइस अभी मैं ट्राई करती हूँ, मेरे को आती है कि नहीं है। लाइफ में पहली बार मोमो बनाऊंगी। शर्म आ रही है मेरे को। आया तो गाइस मैंने सोचा था कि कैमरा पे दिखाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे पकड़ा था मैंने। और मैं इतना मन देकर बना रही थी गाइस, देख लो आप लोग ही, इतना मन देकर बना रही थी लेकिन फिर भी कैसा अजीब सा हो गया। अजीब सा तो नहीं बोलूँगा, वो क्या बोलते उसको, एक पीठा है ना बंगाली में, वैसा बन गया है। पता नहीं मैंने ये क्या बना लिया गाइस। तो गाइस इधर मोमो पक गया है, अभी ढककर रखा है। तो अभी हम लोग किधर जाने वाले हैं? सुपरमार्केट में। ओ सीरियस? सुपरमार्केट। सुपरमार्केट में जाएंगे का, सुपरमार्केट अल्ट्रा प्रो। तो चलिए गाइस देखते रहिए देखते रहिए। चलिए चलते हैं। तो गाइस एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं नाइटी लेने के लिए, नाइटी उसकी मम्मी के लिए, वो भी जोएगा कि मार्केट से ही। तो चलिए गाइस चलते हैं। गाइस ये चीज़ पकड़ने में इतना मुलायम है ना ये वूल। हिंदी से बोलो। फाइनली आज मिल गया, बहुत सुंदर ना। इतनी खुशी मुझे आज तक।
कुछ भी, कुछ भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।